अंतर ज्योति बाहर ज्योति प्रत्येक ज्योति प्रात प्राह ज्योतिर ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवो मौजूद हैं। हमारे देश में ब्याह शादी हो तो गाते हैं, कोई पैदा हो तो गाते हैं, कोई मर जाता है तो गाते हैं। ईश्वर भक्ति, देश भक्ति, पिता भक्ति, पुत्र की माता भक्ति, लव, रोमांस, मोहब्बत, प्रेम, सब रिकॉर्ड मौजूद हैं। जैसे के पापी पपी हारे अरे पी पी न बोल बेरी पी पी न बोल ये पसंद नहीं आया आपको? मालूम होता है आप अपनी उम्र के आगे निकल चुके हैं, तो आपके लिए ये ठीक रहेगा। मंडलाओ पाता हरी दर्शन को आए जय माने। अबे ओ ग्रामोफोन बंद कर ये अपनी मेंढक जैसी आवाज, मुझे रिकॉर्ड विकॉर्ड नहीं चाहिए। मैं भी सोच रहा था कि गाने का शौक एक निपट बुड्ढे को। अबे बुड्ढा तेरा बाप इडियट, अभी भी 2 घंटे कबड्डी खेल सकता हूँ। ये बता राजा कहाँ है? अंदर। मुझे तुमसे राजा। ओ दादाजी आप पाए लागे। जीते रहो बेटा जीते रहो। आपने मेरी दुकान पे आने की तकलीफ। अबे तुमसे वादा किया था ना इसलिए चले आए। ये क्या है? ये एल्बम है लाज की तस्वीरों की, बचपन से लेकर आज तक। जब उसकी शादी होगी तो उसे बतौर तोहफे के दूंगा। वेरी गुड। देखिए ना, आज से चंद साल पहले लाज क्या थी और अब क्या है। मेरा कोई भी पौधा इतनी जल्दी बड़ा नहीं होता जितनी जल्दी की लड़की। तुमने इसके लिए कोई लड़का देखा? जी नहीं, लेकिन जब ये ख्याल आता है कि लाज पराए घर चली जाएगी तो मेरा दिल कांप जाता है। ये तो होता है बेटा, लेकिन राजे महाराजे भी लड़की के धन को घर में नहीं रख सकते। लाज तुम्हारी बहन ही नहीं, तुम्हारी बेटी भी है।
माँ बाप के जाने के बाद तूने इसे बेटी की तरह पाला और बेटी के घर से विदा होना वही जानता है जिसने बेटी भेजी हो। खैर ये तो जमाने की रीत है बेटा, बेटी जाती है और बहू घर में आती है। अरे सुनो जी जी, तुमने किसी लड़की से इश्क किया? दादाजी कैसी बातें करते हैं आप। दुर्लानत है, तुम्हें और अशोक दोनों को लंगोट बनवाकर किसी आश्रम में धकेल देना चाहिए। जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो हफ्ते में 3-3 इश्क किया करता था और तुम सत्यानाशियों का साल में एक भी नहीं होता। अरे ये हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। मैडम अगर आप ये रिकॉर्ड खरीदेंगी तो आपका बॉयफ्रेंड पीछे पीछे आप आगे आ गए। अब तक हम तो झूठी बोलते रहे बच्चा जी, अब मैं समझा कि तुमने रिकॉर्डों की दुकान क्यों खोल रखी है, इतनी सारी लड़कियां। दादाजी वो तो गाहक लोग हैं। अरे लोग नहीं, लोगियां कहो। राजा कितनी प्यारी प्यारी लोगियां हैं। मैं तुम ये कहता हूँ कि तुम शोक को भी रिकॉर्डों की दुकान खुलवा दो, हम तो सारी जिंदगी हैंड पंप ही बेचते रहे। दादाजी अशोक लंदन से कल कौन सी फ्लाइट से आ रहा है? मॉर्निंग फ्लाइट से। देखो बेटा मैं तुमसे एक विनती करने आया हूँ। आप हुकुम कीजिए ना। बात यह है कि अशोक मुझे तनख्वाह देगा क्योंकि मैं उसका दादा हूँ, मगर तुम्हें नहीं तनख्वाहेगा क्योंकि तुम उसके गिरी दोस्त हो। तुम अशोक मजबूर कर दो, वो शादी कर ले। बेटा इतना बड़ा घर बच्चों के बगैर बिल्कुल सूना लगता है। मैं कोशिश करूंगा। कोशिश? जी मैं अपनी जान तक लड़ा दूंगा। ये तो कोई बात हुई ना, कोशिश कोशिश क्या। अच्छा बेटा मैं चलता हूँ, सुबह एयरपोर्ट पे मिलेंगे। जी अशोक मियां तैयार हो जाओ शादी। Oh, I had a fantastic time, Raja. Oh, it was lovely. It was very cold, you know. दादाजी प्रणाम। आ गया आपका पोता। जीते रहो बेटा जीते रहो। कैसा रहा लंदन? बहुत अच्छा रहा। मगर वो कहाँ है? वो? हाँ वो कौन दादाजी? अरे देखता नहीं, मैं दो हार लेकर आया हूँ, एक तेरे लिए एक उसके लिए। इसका भी जवाब नहीं, अकेले ही चला आया क्या? दादाजी दुनिया में अकेला आया हूँ, अकेला जाना पड़ेगा। अरे बकवास बंद कर। मुझे तो ऐसा लगता है खानदान को आगे चलाने के लिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी, फिर तू अपने बाप को गोद में खिलाते हुए अच्छा लगेगा। बाप? बाप नहीं तो और क्या, मैं तेरा दादा हूँ, जो मेरा बेटा होगा वो तेरा बाप ही होगा ना। पिताजी नहीं आए? अरे उसका मत पूछ तू, उसका ना कोई बाप है ना कोई बेटा। 7 दिन से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ सिर्फ ये कहने के लिए कि तू लंदन से वापस आ रहा है, मगर उसका कोई पता ही नहीं, दफ्तर वालों को भी नहीं पता। उसे प्यार है तो सिर्फ पैसे से और किसी चीज से नहीं। वो आ गए। ओ जीते रहो जीते रहो बेटा, पूरा 600 मील का सफर तय करके बेंगलोर से आ रहा हूँ, सोचा कहीं देर ना हो जाए। पिताजी इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? इसमें तकलीफ कैसी बेटा, एक ही एक तो तू मेरा बेटा है, कौन से दो चार है। आओ आओ मेरे साथ। चलो राजा तुम चलो, मैं शाम को आऊंगा। जरूर आना है। बाय 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 बाय। अरे राजा सुनो तो, हरि ने बहुत बड़ा मैदान मार लिया। हरि ने? हाँ। ऐसे? अरे भाई वो तो वहाँ कुछ नहीं कर सका, सुना है यहाँ उसकी A1 लड़की से मंगनी हो रही है। अच्छा, खूबसूरत है? हाँ। क्यों हरी ठीक है? हाँ यार बहुत खूबसूरत है, इसीलिए तो बात करते करते मैं अपने को भूल जाता हूँ। एक दिन मुलाकात करेंगे। जरूर जरूर। बाय 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 राजा। बाय बाय बाय। हाय नेफ्यू। ओ अंकल डिसूजा। अरे वाह एकदम रेडी लग रहे हो, पी रखी है क्या? हम जब नहीं पियेला होता है तो पुलिस समझता है हम पियेला है और हमको पकड़ लेता है। अच्छा ये बताओ यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ? हाँ। यहाँ अपना एक नेफ्यू है, नेफ्यू? हाँ हाँ। पीटर पीटर। अच्छा वो इधर ऑफिसर बनेला है। कहाँ? एयर इंडिया में। एयर इंडिया में। हाँ हाँ। उसका अपना लेन देन चलता है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। नहीं नहीं मगर तुम भी अपना नेफ्यू है ना, अपन भी 200 रुपए दे सकेगा? नहीं इस तरह के बाद हम वापस करेगा। बात यह अंकल की मैं आज तुम्हें इनकार नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि मेरा दोस्त अशोक लंदन से आया है। अच्छा। और उसके नाम पे ये 200 रुपए
तुम्हारे। वेरी गुड राजू, ये नहीं समझना कि हमको चैरिटी दिया है, ईस्टर के बाद हम वापिस करेगा, प्रॉमिस। हाँ परेशान क्यों हो, बोलो ना भैया। लाज, तुम कहां से आ रही हो? मैं? कौन है वो लड़का जिसके साथ तुम पार्क में घूम रही थी? रवि। तुम क्यों गई थी उसे मिलने? लाज, तुम तो जानती हो लाज, मां बाप का साया सर से उठ जाने के बाद मैंने तुम्हें बहन की तरह नहीं बेटी की तरह पाला है। मैंने हमेशा यही सोचा, जब तक तुम्हें डोली में ना बिठा लूं, अपना घर बसाने का नाम तक नहीं लूंगा। मैं जानती हूं भैया, दुनिया में ऐसी भी कोई बहन है जिसे तुम जैसे भाई का प्यार मिला हो। क्या तुम ये भी सोच सकते हो कि मैं कोई ऐसी हरकत करूंगी जिससे तुम्हारी आन में फर्क आए? भैया मुझ पर विश्वास रखो। लाज, मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन इन आजकल के लड़कों पर नहीं। कहाँ रहता है रवि? दादर, लक्ष्मी बिल्डिंग, हिंदू कॉलोनी। अशोक, 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 क्या बात है राजा, परेशान नजर आ रहे। अच्छा हुआ अशोक तुम मिल गए, आओ मेरे साथ। बात क्या? बहुत जरूरी काम है, आओ ना। कहा? हाँ आओ तो। कुछ तो बताओ यार। चलो तो। कौन है आप? तुम रवि हो? जी। लेकिन आप? ये मकान तुम्हारा है? जी नहीं। किराए पर रहता हूँ। पीछे तुम कहाँ के रहने वाले हो? गाजियाबाद। माता पिता, भाई बहन? जी कोई नहीं, बिल्कुल अकेला। क्या काम करते हो? लाज को कैसे जानते हो? लाज, आप लोग कौन होते हैं लाज के बारे में पूछने वाले? तशरीफ ले जाइए। हम लाज के भाई हैं। माफ कीजिए, आइए तशरीफ रखिए। ठीक है यहीं खड़े रहो। तुम लाज को कब से जानते हो? चूंकि साल भर से। कैसे? हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। तुम लाज से शादी करने के लिए तैयार हो? जी नहीं। क्या मतलब? तुम उसकी जिंदगी से खेलना चाहते हो? जी नहीं भाई साहब, ये बात नहीं। मैं बिल्कुल बेकार हूं, और जब तक काम न मिल जाए मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। बस इतनी सी बात है या कुछ? जी बस यही बात है। अगर मैं तुम्हें काम दिला दूं तो? इससे अच्छी बात और क्या हो सकती? लाज के लिए मैं मजदूरी करने भाट होने तक के लिए तैयार हूं। रवि, अगर तुमने कभी भी लाज को तंग किया या दुख दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे साथ। यकीन रखिए भाई साहब, लाज को मैं फूलों की तरह रखूंगा। राजा, लाज इसी शहर में। कौन से दूर जा रही है भैया? हाँ अशोक,
लाज का पड़ोस में ही जा रही है, लेकिन इस घर से तो भगवान उसे सुखी रखे, सदा सुखी रखे। जय हो राजा की, तुम तो सचमुच के राजा की तरह फैल कर बैठे हो। क्या बताऊं यार, लाज की एक जिम्मेदारी थी, भगवान की दया से वो भी पूरी हो गई। जैसे कई मन बोझ सर से उतर गया, आज मैं बिल्कुल हल्का महसूस कर रहा हूं। हम तो चाहते हैं तुम और भी हल्के हो जाओ, हवा में उड़ने लगो। क्यों, ऐसी भी कोई दवा है? राजा, हम सब तो हरि के यहाँ जा रहे हैं। उसकी मंगेतर जो आई हुई है, और याद है कल उसने कहा था इसी खुशी में कुछ हो जाए। और ये सोचकर वो कमीना बाद में कोई गड़बड़ ना करे, मैंने पहले ही एक बॉटल खरीद कर उसके कबाड़ में रख दिया। ऐसे तो बाद में उसकी गर्दन में रोल कर वसूल कर लूंगा। देखो शिव, तुम तो जानते हो मैं पीता नहीं हूँ, इसलिए तुम ही जाओ और ऐश करो। अब चलो, नहीं तो कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करें। मतलब ये लोग पहनो और चलो हमारे साथ। चलो। हरी। यस डार्लिंग। तुम तो कहते थे तुम्हारे दोस्त 6 बजे आ रहे हैं, लेकिन अब तो 7 बज गए। अरे आते ही होंगे, जैसे तुम वैसे तुम्हारे दोस्त। अरे क्या बात कह रही हो, जरूर आएंगे। और तुम तो जानती हो डार्लिंग, वो कमीना सीव अपनी बोतल सामने कबाट पर रख गया है। ये रहा हरि का फ्लैट। वेरी गुड। अरे यहाँ तो ताला लगा है। हाँ ताला ही है ना, तोड़ दो। अरे तोड़ने की कोई जरूरत नहीं यार, मैं खोले देता हूँ। अरे हर कभी जिंदगी में ये काम किया भी है? अरे भाईयो, ये काम इसी को करने दो, ताला तोड़ने के जुर्म में 2 बार तड़ी पार जा चुका शिव, मगर हरी है कहाँ? उसकी फ्यांसी आई है ना? हाँ। उसे शहर घुमाने गया होगा। अरे शहर तो यहाँ भी घुमा सकता था। वो कैसे? वो ऐसे कि फ्यांसी को कुर्सी पे बिठा देता और उसके इर्द गिर्द शहर को घुमा देता। अरे खुल जाओ दोस्तों, अभी बाबा और चालू चोर आए हैं। हाथ टूट जाएगा तेरा, चल पीछे हट। आप अपनी टांगे उठाओ। रेडी 1 2। आओ प्यारो, वाह वाह, क्या फ्लैट सजा के रखा है। अरे क्या कहने हैं हरि, क्या बात है। अरे शिव चल दबा पाओ। ओके शिव, कहाँ रखी थी वो बोतल? अरे यही है सामने कबाड़ में रखी है। निकाल निकाल जल्दी जल्दी जल्दी। मुझे तो यहाँ सूट की बजाय साड़ियां दिखाई दे रही हैं। अल्लाह पता नहीं, बिल्कुल ही बनाना मामला है। हरि की फ्यांसी बहुत अमीर मालूम होती। अरे फ्यांसी नहीं, फाइनेंसी होगी। आजकल की लड़कियां रोमांस भी करती हैं और साथ साथ फरेंस भी। ये हरि का बच्चा हमेशा हमारी हर शाम का कबाड़ा कर देता है। सच कहता हूँ राजा, मैंने बोतल वहीं रखी थी। वहीं रखी थी तो ला चश्मा मुझे दे और जाके फिर देख। जा हमारा रहने दे यार, मुझे मालूम था पहले, इसीलिए एहतियातन एक कौवा साथ लेके आया। अरे वाह प्यारे, तुम्हें तो सप्लाई का मॉनिटर होना चाहिए। निकालो तुम्हें निकालो। नमस्कार। आदा आप लोग बैठिए, आई बी ज्वाइनिंग यू। ना क्या मतलब, आप भी शौक फरमाएंगी क्या? सलीम साहब, आजकल की लड़कियों का कुछ पता नहीं, अव्वल तो पीती नहीं और पीती हैं तो मर्दों की छुट्टी कर देती है। राजा क्या खूबसूरत लड़की है। यही तो रोना है, कहाँ अपना हरि और कहाँ ये परी। अमा हर खूबसूरत आदमी को खूबसूरत जाने के अपना चांस है। अरे आ रही है, आ रही है। आप लोग कुछ लेंगे? ठंडा या गरम?
जी नहीं, सर्द गर्म हो जाएंगे। जी मुझे थोड़ा पानी में ग्लास ले आइए। आपका मतलब है ग्लास में थोड़ा पानी? जी हाँ, आप ठीक समझी। अभी लाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या सूरत है और क्या सीरत। राजा, एक एक आंख लाख लाख रुपए की है। अपनी जेब में तो सिर्फ 5 रुपए ही। खाने के लिए कुछ लाऊं? कुछ स्नैक्स, ऑमलेट, चीज सैंडविच? जी आप थोड़ा प्याज काटकर उस पर नमक सिरका लगाकर ले आइए। मेरा मतलब है जी कुछ भी ले आइए। जी कुछ भी ले आइए। ये पाजी, तुमने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया था। लाए था बोतल। सलीम साहब ऐसे नहीं, बोतल से दारू पीजिए और गिलास से पानी, नहीं तो गिलास में बदबू आ जाएगी। राजा भैया, बदबू नहीं खुशबू। हाय। हाय। मैं भी आई। राजा किधर से आए? जिधर से हम आए। चल बैठ। अमा यारो, ये उसकी क्या लगती है? मेरा ख्याल है उसकी कोई एस्कॉर्ट होगी, क्योंकि मेरी फियांसी भी जब कभी आती है ना, तो ऐसे ही किसी को साथ में लेकर आती है। ओह, आई सी, प्रोटेक्शन, हिफाजत। ब्यूटीफुल बॉडीगार्ड। अरे बीना, बताना कौन है इनमें से जिसके साथ तेरा मामला चल रहा है? अपने उसका नाम बता। मीरा, तुम्हारा, तुम्ही ने तो कहा था अपने उसको ला रही हो। वो तो यहाँ है ही नहीं, मैं तो समझी इनमें से कोई तेरा होगा। नहीं तो मुझे तेरी कसम लगे। तो फिर कौन है ये? बैठे तो यूं है जैसे ससुराल में। देखो तो। चल। वाह वाह, क्या लड़की है, क्या खातिर कर रही है हमारी। अभी तो और करने आ रही है। माफ कीजिएगा, आप लोग कौन है, किससे मिलने आए हैं? जी वो अपना हरी से। हरी? कौन हरी? हम किसी हरी पीली गुलाबी को नहीं जानती। देखिए, आपके चेहरे पर ये तेवर अच्छे नहीं लगते। हम तो मर गए हैं तारीफ करते करते आपकी खूबसूरती की और आपकी मेहमान नवाजी की। हम तो यहाँ गाला इवनिंग मनाने आए थे। वो तुम्हें देख रही हो, अब हो गया इवनिंग, चल जाइए यहाँ से। अरे बैठो बैठो, इनके मजाक की दाद तो दो। निकल जाइए यहाँ से, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। पुलिस? भाभी होकर? भाभी? देखिए, आप देवर भाभी के मामले में मत बोलिए, आप दूसरों में स्कॉर्ड है। शाचा। ये शिव, ये तो अंग्रेजी बोलने लगा। ऐसा लगता है हम किसी गलत फ्लैट में आ गए हैं। चलो भागो यहाँ से, चलो। यू क्या देख रहे हैं आप? मुझसे नहीं उठा जा रहा है, दूध वाला भैया होगा, तू जाना। मुझे एक और काम भी है आपसे। क्या काम? बात यह है कि कल कसूर हमारा था, जिसके कारण मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं सोचता रहा आप क्या सोचती होंगी, नफरत करने लगी होंगी मुझे। मैं नफरत करती हूँ ना मोहब्बत, चले जाइए यहाँ से। जी जी मैं बिल्कुल ही चला जाऊंगा, पहले आप मुझे माफ कर दीजिए। Thank you.
गुड मॉर्निंग। दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की जर्मन। जी मैं लड़की के बारे में नहीं, मैं जगह के बारे में पूछने आया हूँ। जी जहन्नुम। आपने तो अपने शहर की बात शुरू कर दी। देखिए आप रिसेप्शनिस्ट हैं और मेरी हर बात का जवाब देना आप दोनों का फर्ज है। क्या है कितनी ही बेवकूफी की बात हो। तो क्या हर बेवकूफी की बात का ठेका आपने ले रखा है? आप चाहते हैं कि मैं? जी हाँ मैं चाहता हूँ। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप, मेरा मतलब है आप मुझे एक खूबसूरत जगह का पता बताएं। जहन्नम भी कोई जगह है जहाँ आदमी अपनी दुल्हन को ले जाए। आप शादीशुदा हैं? जी आप घबराइए नहीं, अभी तक तो सिर्फ शुदा हूँ, शादी साथ जोड़ना है, थोड़ी सी अड़चन है वो भी दूर हो जाएगी। उसके बाद कहाँ जाना चाहिए मुझे हनीमून के लिए आपको? जी हाँ कोई ऐसी जगह बताइए, ऐसी जगह बताइए जहाँ कभी आपने जाने के बारे में सोचा हो, मेरा मतलब है शादी के बाद। स्विट्जरलैंड। ये नियाग्रा फॉल के बारे में क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छी जगह है डूब मरने के लिए। जी जी जी, एक नए ब्याह हुए जोड़े के बारे में ऐसी अशुभ बातें, आखिर आपको भी शादी करना है। किससे? जी कोई होगा ही मेरे जैसा, मगर बहुत अच्छा होगा। मेरे पास ऐसी फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। सुनिए जी प्लीज वन मोमेंट, पेरिस जाने का कौन सा रूट है? वाया बेरूत, सीधे भी जा सकते हैं। न्यूयॉर्क? वाया लंदन। जापान? आखिर आप जाना कहाँ चाहते हैं? जहाँ पसंद करें। हेलो, यस सर। मैं बड़े अफसोस के साथ खबर दे रहा हूँ कि फ्लैट A23 को क्रैश लैंडिंग करनी पड़ेगी। कोई जानी नुकसान हुआ सर? सिर्फ एक जान गई। शट अप। ये क्या बदतमीजी है? मुझे माफ कर दीजिए। मुझे भी माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। मैं अभी आई सर। देखिए जी मेरे हनीमून का क्या हुआ, कौन से रूट से जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? चलो अंकल, और सुनाओ कैसे आना हुआ? देखो राजा बाबू, अब जात का एकदम ऑनेस्ट आदमी। क्या? हाँ, वो तो है। तुमसे 200 रुपए कर्जा लिया होता, वापस करने को आया। अरे वाह, लेकिन अंकल इतनी ईमानदारी भी क्या जो बेईमानी मालूम होने लगे। क्या बोलता तुम राजा बाबू, जब तब हम किसी का कर्जा वापस नहीं करता आखिर रात सोने को नहीं सकते। क्या हम बात का पक्का, टाइम का पक्का। राजा बाबू आप एक बात बोलना मांगता। बोलो। हमको एक 300 रुपए मांगता। ये कुबरे, 200 रुपए देके 300 रुपए मांगते हो? देखो राजा बाबू, हमारे ऑनेस्टी पे डाउट नहीं करने का। ये दुनिया में लेन देन ऐसा ही चलता है। आखा हुंडी मार्केट में ठीक टाइम पे पैसा वापस करना, फिर मांगता उतना पकड़ना। आई सी, ठीक है अंकल, ये लो 200-300 रुपया। थैंक यू। लेकिन एक बात है अंकल, तुम आदमी बड़े खुदगर्ज़ हो। आई मीन यू आर ए वेरी वेरी सेल्फिश मैन। क्या बात करता है राजा बाबू, हम सेल्फिश मैन? और नहीं तो क्या, तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो, दोस्तों के बारे में नहीं। यू इंडियन क्या बात करता है, हम दोस्तों के लिए जान भी दे सकते। Will you help me? Yes, sure. तो सुनो। बोलो। बात ये अंकल के। बोलो बोलो। अंकल मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई। मर गया। कौन मर गया? वो लड़की लो। मगर राजा, मोहब्बत होती है बड़ी वंडरफुल। क्या वंडरफुल अंकल? वो लड़की हमसे प्यार नहीं करती, यहाँ तक कि हमसे बात भी नहीं करती। बच गया। कौन बच गया? वो लड़की लो। राजा तुम इतना टाल आदमी, वो लड़की क्या कुतुब मीनार के साथ शादी करेगा? मगर राजा वो छोकरी लोग कौन होता है तुमने बताया नहीं हमको। अंकल वो लड़की बड़ी स्वीट है और उसका नाम भी बड़ा स्वीट है। मधु। हनी। हाँ एयरोस्टेस। वो तुम्हारा भतीजा है ना पीटर? हाँ। वो उस लड़की का बॉस है। गॉड ब्लेस पीटर, अभी हम सब ठीक करवा देता है। थैंक यू अंकल। थैंक यू नहीं, इधर आओ। बोलो अंकल बोलो। अभी हम 300 रुपए जास्ती मांगता है। वो किस लिए? पूछने का नहीं, बोलने का नहीं, देने का। क्विक जल्दी। पीटर अब हम अपना चक्कर चलाता है। गुड लक अंकल। थैंक यू। Thank you.
अंकल। माय नीस बी एट पीस। मधु तुम्हारा बॉयफ्रेंड किधर होता है? हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। चाहे बचा लूं
आवारा माजी जाएगा कहाँ, उसका तो साहिल तुम हो जहाँ। आवारा माजी हो गए, अब कौन हो सकता है? वही तुम्हारा। वही? अब वो होगा तो मैं उसका सर फोड़ दूंगी। टेलीग्राम है मेम साहब। टेलीग्राम? थैंक यू। तेरे पिताजी की तबीयत, उसी का टेलीग्राम है, कहता है मुझे माफ कर दो। हाय, तू नहीं, तेरी आवाज से ही। बक बक बंद कर, तुझे मजाक की सूझ रही है और मेरा खून खौल रहा है। हर घंटे के बाद ताल, ऐसी नौकरी पर ऊपर वाले की मार। लो बाबूजी। टेलीग्राम मिलता। हरी, मजा आ गया। हाँ यार। थैंक यू। मुझे माफ कर। किसी का है, कहता है मुझे माफ कर दो प्लीज। मेरा ख्याल है तू ड्राइंग रूम में सो गया। शट अप। अगर आपने मुझे माफ कर दिया हो तो 2x2 वर्ली सी फेस पे खबर कर देना। चलो मेरे साथ, जरा खबर लो उसकी, कहीं उसने हमारी खबर ले ली तो। चलो तो। मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ? हम आपके बेटे से मिलने आए हैं। ओ, 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 तो आइए आइए, तशरीफ लाइए प्लीज प्लीज। आइए, आप तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। जी नहीं, आप अपने बेटे को बुलाइए। मेरा ख्याल है आप मेरे पोते से मिलने आई हैं, जो खूबसूरत भी है और जवान भी है। जी हाँ, उसी से। तो फिर जल्दी किस बात की है? आप तशरीफ रखिए, मैं उसको लेकर आता हूँ। हाँ। अशोक, ओ अशोक, अशोक, अबे उठ। क्यों बे चुप है रुस्तम? दादाजी नहीं, प्रणाम। अबे प्रणाम के बच्चे वो आई हैं। वो? हाँ। वो कौन दादाजी? वो कौन दादाजी? अरे हमसे छुपाता रहा है बच्चू जी, चोरी छुप के लड़कियों से इश्क लड़ाता रहा है। दादाजी सुबह आपको क्या हो गया? मैं किसी लड़की को जानता भी नहीं। अरे बको मत,
वो तुम्हारी राह देख रही है, नीचे उठो उठो उठो। अरे मामा क्या करता है वो, तुम्हें मिलने नहीं आई तो क्या, तुम्हारी दादी बनने आई है। अरे उठ उठ उठ, अरे उठ 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 उठ, चल पहन सही पर, चल पहन, चल पहन पहन पहन, और जाकर उनसे बातचीत कर, मैं चाय तैयार करके लाता हूँ। मगर दादाजी, अरे दादाजी के बच्चे भाग भी ना। बदमाश लोफर, कौन है आप? फिर टेलीग्राम, पता तो यहीं का है। तो फिर कौन है ये बदमाश जिसने इस पते से तार दिया? जाहिर है बदमाश होगा, वरना तार भेजने वाला अपना नाम लिखता है, पता थोड़ी लिखता है। रात भर हमें सताता रहा। मगर ये कौन हो सकता है? सुबह जब मुस्कुरा कर उसके मोती पिरोती है। आप यहाँ क्यों खड़े भाई, इनको बिठाओ, चाय पियो चाय पियो। जी नहीं है? हमें चाय नहीं चाहिए। हाँ, ये कैसे हो सकता है, हमने आज तक अपने रियल वाइफ के लिए भी अपने हाथों से चाय बनाई है। चल ले इनको बिठा बिठा बिठा, चल चलिए चलिए चलिए। दादाजी को चाय बनाने का बेहद शौक है, ये सिर्फ पीते ही नहीं लेकिन जबरदस्ती पिलाते भी। लाइए चाय मैं बनाती हूँ। आप बनाएंगे, कोई बात नहीं, आप बनाइए। शुक्रिया शुक्रिया। क्या खूबसूरत चाय है। दरअसल आज की सुबह ही खूबसूरत हो गई है। आज हमारे साथ जो भी होगा खूबसूरत ही होगा। क्यों शोक? अरे तुम तो लड़कियों से भी ज्यादा शर्माते हो। मेरा ख्याल है कि लड़कियों ने जितना शर्माना था शर्मा लिया, अब लड़कों के शर्माने का जमाना आ गया है। तुम रहती कहाँ? जी बॉर्डन रोड सी व्यू। साथ ही पढ़ती हो? एक साथ नौकरी करती हैं, इकट्ठी खाती हैं इकट्ठी पीती। ओ ठीक है, मगर शादी तो अलग अलग करोगी ना। नौकरी कहाँ करती हो? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट भी क्या रोमांटिक जगह है, जहाँ लोग प्यार से मिलते हैं और प्यार से बिछड़ते हैं। मेरा तो अकेले में जब भी जी घबराता है मैं सीधा एयरपोर्ट चला जाता हूँ। लेकिन दादाजी आजकल तो वहाँ 1 रुपया टिकट लग गया। अरे चाहे 10 रुपए लगा दें, सब वसूल हो जाता है। अब हम चलेंगे। माफ कीजिएगा, बेमौका तकलीफ थी। तकलीफ किस बात की बेटा, प्यार का भी कोई मौका या मौसम होता है, जब सूरज निकले तो दिल और जब फूल खिले तो बाहर। नमस्ते 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 नमस्ते। अब बता बेटा। दादाजी मुझे आपकी कसम है मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता। अरे आप जान ले पगले, लड़की जानने की नहीं प्यार करने की चीज होती है। लेकिन दादाजी वो मुझसे थोड़ी मिलने आई थी। ओ तो क्या मुझसे मिलने आई थी? मेरा मतलब ये नहीं है, वो तो गलती से यहाँ पहुँच गई। अगर उसे गलती लग सकती है तो तुझे भी तो गलती लग सकती है, ऐसे ही तू भी गलती से एक दिन उनके यहाँ पहुँच जा। देख अशोक, वो इधर बैठी थी ना पतली सी, उस पर मैं आशिक हो गया हूँ। अरे तुम्हारी तरफ से। Yes, the departure time will be 5:30, that's right. Hello? गुलाम हूँ आपका। आपने मेरे सारे तार 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 करके फेंक दिए, जवाब तक नहीं दिया। सुनिए, वो तार तार नहीं थे, मेरे दिल के टुकड़े थे, छोटे छोटे गुलाब की पत्तियों के। बदतमीज, क्यों मेरे पीछे पड़े? मजबूरी है, अगर आपसे माफी लिए बगैर इस जहान से चल बसा तो मेरी रूह भी आपका पीछा करती रहेगी। आप जब खफा होते हैं तो और भी हसीन दिखाई देते हैं। बकुमत, सामने होते तो मैं। अरे ये क्या करती हैं आप?
पेपर वेट नीचे रख दीजिए। हम तो पहले ही मरे हुए हैं, हमें क्या मारना है? कमीने। वाह वाह, आपके मुंह से गाली ऐसे मालूम होती है जैसे फूल झड़ रहे हो। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? हेलो। ये पसीना बेशक पोंछ लीजिए, लेकिन रुमाल हमें इनायत कर दीजिए। ये जुल्फ बिखर जाए तो कयामत आ जाए। प्यास तो हमें भी लगी है, अगर आप अपनी आंखों से पिला दें तो। शट अप, आप जैसे आदमी को तो जेल में होना चाहिए। हाँ हाँ भिजवाइए, हमें जेल लगवा दीजिए हथकड़ियाँ, और हम है कि आपकी नाजुक कलाइयों में चूड़ियाँ पहनाना चाहते हैं और आप हमें जेल भिजवाना चाहती हैं। शांता जी, मेरा नाम शांता नहीं है। कहाँ हो तुम? बस बिल्कुल आपके पास, आपके दिल के पास। शांता, एक इडियट कब से रिपल कर रहा है, जरा देख। हेलो हेलो हेलो, यहाँ तो कोई भी नहीं है, टू इडियट। ये क्या है? अरे सुनिए। मैं अशोक साहब से मिलना चाहती हूँ। जी वो अंदर बैठे हैं। अशोक साहब, मैं समझती थी कि आप एक शरीफ आदमी हैं, लेकिन माफ कीजिए, आपका मतलब नहीं समझा। आपको क्या हक था मुझे तोहफे भेजने का? तोहफे? कैसे तोहफे? ये क्या है? यकीन मानिए, ये गुस्ताखी मैंने नहीं की। तो आप झूठ भी बोल सकते हैं। ये देखिए, आपके नाम का कार्ड। कार्ड तो मेरे ही नाम का है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ ये तोहफे मैंने नहीं भेजे। तो फिर किसने भेजे हैं? किसने भेजे होंगे? अब याद आया, मेरा ख्याल है वो तार भेजने वाले के भेजे में बात आई हो। तोहफा आखिर तोहफा होता है, उसे हमेशा प्यार दुलार से स्वीकार कर लेना चाहिए। जिसे तुम तोड़ना चाहती हो शायद वो किसी का दिल हो। देखो फर्ज करो कि ये तोहफे अशोक की तरफ से मैंने तुम्हें भेजे हो। जी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम शक्ल इसे तोड़ने वाली नहीं बल्कि दिल जोड़ने वाली लड़की मालूम होती हो। सच कहता हूँ बेटा कि तुम जब भी इस घर में आती हो तो ऐसा मालूम होता है कि कोई नई जिंदगी चली आई है। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। आओ बैठो बेटा, बैठो। जी नहीं, मैं जा रही हूँ। अरे ठहरो बेटे, ठहरो ठहरो ठहरो। अरे अशोक तू कैसा मर्द है, एक लड़की तुम्हारे घर में चलकर आई है और तुमसे इतना बड़ी होता है गुदे छोड़ो। दादाजी मैं। जी नहीं, इनकी तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। तकलीफ किस बात की बेटा, घर में आधी दर्जन मोटर जो है वो किस लिए है? ऊपर बैठने के लिए, नीचे आने या खुदकुशी करने के लिए नहीं है। चल बे छोड़ क्या, चल। अरे जाना, अरे बसुम बसुम बसुम, रास्ते में किसी रेस्टोरेंट में ले जाना और चाय वाय पिलाना और मटन के समोसे भी खिलाना है। जा जा जा, जा। दादाजी तोहफा दे दूंगी। अच्छा जा, भागना, चली जाइए वो तू। क्या लीजिएगा? कुछ नहीं। काफी? काफी तो कुछ तो लीजिए, सैंडविच चिकन। चिकन चूजा अच्छे शुरू हुए हो बेटे, आखिर पोते किसके हो? शुरू रहो शुरू रहो। क्या खूब इत्तेफाक है, आप हमारे घर दो बार आई और अब आप याद मत दिलाइए। मैं पहले बहुत शर्मिंदा हूँ, आपके दादाजी मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? सोचते होंगे? सुना नहीं आपने क्या कहा उन्होंने? जब भी तुम इस घर में आती हो ऐसा लगता है कि कोई नई जिंदगी चली। अरे मेरी बातों को तुम्हार गोली, कुछ अपनी बात कर। दादाजी आपको बहुत पसंद करते हैं।
तेरे की। अरे ये कहो कि तू पसंद करता है, बोलो। मधु जी, आपने दादाजी के सवाल का जवाब नहीं दिया। कैसा सवाल? यही कि अगर वो तोहफे मैंने आपको दिए होते तो क्या आप उन्हें भी इसी तरह फेंक देती? मैं क्या कहती, ये तो इस पे डिपेंड करता है कि रिश्ता कितना गहरा है। ठीक है, तो फिर मैं उन तोहफों को किसी और मौके के लिए रख छोड़ूंगा। जियो बेटे, लाइन पर तो आ रहा है मगर जरा धीरे धीरे, मालगाड़ी की तरह। क्या थकदार आदमी है अपने दादाजी। तेरे दादा की ऐसी की तैसी, कंबख्त मेरे कांधे पर रखकर बंदूक चला रहा है। शिकार खेलना है तो सीधा खेल। दादाजी की ख्वाहिश है कि मैं शादी कर लूं। तो फिर कर क्यों नहीं लेते? लेकिन कोई मनपसंद लड़की भी तो मिले। मिली नहीं? मिली तो है लेकिन किस्मत साथ है जब। अरे देगी देगी बाजी, तू जरा हाथ तो पकड़। क्या बंगाली मोहब्बत शुरू कर दी है। सुना है आपके वहाँ स्ट्राइक चल रही है? जी हाँ, वो तो होती रहती है। अरे वो गधे की औलाद, स्ट्राइक का जमाना गया, आजकल तो भैरव का वक्त आ गया है। खीरा ढाल खीरा। कुछ बात कीजिए। आप ही कहिए। आजकल हमारे मुल्क में बहुत अच्छी क्रॉकरी बनने लगी। हाँ। इससे कुछ नहीं होगा। ये अंशुल की जोड़ी क्या कर रही है? अरे बैठ जा बैठ जा बैठ जा। माफ करना, मैं गलती से इधर आ गया। मुझे तुम लोगों की कुलेल में गुलेल नहीं चलानी चाहिए। बैठिए ना। थैंक यू। क्या कॉर्नर ढूंढा है तुम लोगों ने, सबकी नजरों से दूर। जानता है अशोक, प्यार की वोटर गुम के लिए सारी बंबई में इससे अच्छी जगह कोई नहीं है। शादी से पहले तुम्हारी दादी को वोटर गुम के लिए मैं यहीं लाया करता था। क्या दिन थे। लेकिन दादाजी, इस रेस्टोरेंट को बने सिर्फ 2 साल हुए। अबे ओ, मैं था बाप हूँ कि तू मेरा बाप है। तू तो एक तरफ, जब तेरा बाप भी पैदा नहीं हुआ था तो यहाँ एक झोंपड़ पट्टी हुआ करती थी, जो बाहर से कच्ची और अंदर से पक्की होती थी। लकड़ी का फर्श था और उसके ऊपर मोमबत्तियों की रोशनी में प्यार करने वाले जोड़े नाचा करते थे। अरे हाँ, तुम लोग यहाँ क्या ये काफी वाफी पी रहे हो? उठकर नाचो 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 जा। माफ कीजिए, मुझे देर हो रही है। समझ गया, मैं समझ गया। खामखा मैंने तुम्हारे रंग में भंग डालने की कोशिश की। मैं अपना थोपड़ा ले जाता हूँ। ऐसी बात नहीं है दादाजी। हाँ? मुझे जरा जल्दी घर पहुँचना है। नमस्ते, बाय। क्या बाई है, बाय बाय। अबे ओ, जी चाहता कि आज तेरा सर फोड़ डालूं। अबे गधे, जब मैं तेरी दादी को पहली बार यहाँ लेकर आया था तो मैंने पहले दिन झट से उसका घूंघट उलट दिया और फौरन पूछा कि मुझसे शादी करोगी। उसने हाँ कह दिया और तू है कि बस बातें ही कर रहा है। और बातें भी कैसी कि आजकल हमारे मुल्क में क्रॉकरी बहुत अच्छी बनती है। चमचा कहीं का दाग तेरे मर्द बना फिरता। अब चल भाग 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 यहाँ से चल। मधु बेटा। पिताजी आप? जीती रहो बेटी, जीती रहो। इतने बीमार होने पे भी आपने सफर किया और यहाँ चले आए। बात ही कुछ ऐसी थी, शंकरलाल ने 7 दिन के अंदर अंदर मकान का कब्जा देने का नोटिस दिया है। तो फिर आए दिन के किलकिल से तो यही अच्छा है। दे दीजिए उन्हें मकान, थमा दीजिए चाबियां उनके हाथ में। कैसे थमा दूं चाबियां? तू जानती है मकान मेरे लिए क्या मायने रखता है। आदमी मकान बनाता है पिताजी, मकान आदमी नहीं बनाता। इज्जत इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज होती है। मैं नहीं चाहती आप किसी के सामने सर झुकाए या भीख मांगे। मेरी मानिए तो आप सब दे दिलाकर यहाँ चले आइए। इतना तो मैं भी कमा लेती हूँ जिससे हम बाप बेटी का गुजारा हो सके। मधु, सवाल गुजारे का नहीं, मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है बेटा, एक बार तेरी डोली उस घर से उठ जाए, फिर
फिर शंकरलाल उसे बेचे चाहे गिराए। लेकिन बात दुश्मनी ही पे ठहरी, वो मानेंगे थोड़े ही। मैं ये नहीं कहता कि शंकरलाल अपनी रकम छोड़ दे, मैं चाहता हूं तो बस इतना कि वो अपना पैसा किस्तों में ले ले। इज्जत हो या बेइज्जती, एक बार तो मुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको वहां अकेले नहीं जाने दूंगी। तू समझती है कि वहां मुझे गुस्सा आ गया तो कहीं दिल का दौरा ना पड़ जाए। पगली कहेगी। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, बड़े साहब आ गए हैं। ओके। मैं शंकरलाल से ही बात कर लेता हूं। हेलो। दुनिया का कोई किनारा है जहां तुम मेरा पीछा ना करो? कमाल है, मैं इस ऑफिस में किसी काम के लिए नहीं आ सकता। सुनिए, माफ कर दीजिए। हेलो अशोक। अम्मा यार, तुम कहां थे? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो गया। मैं तो यहीं था। तो फिर मैं कहीं गुम था। ये मेरे पांव है ना, पांव आजकल जमीन पे नहीं है, आसमान पे। अच्छा, क्या हो यार, आजकल हमें मोहब्बत हो गई है। क्या हो गई है? मोहब्बत किससे? लड़की से। आओ तुम्हें दिखाऊं। अम्मा आओ ना। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हें ये घर खाली करके फौरन कब्जा देना होगा। मैं तुम्हें एक मिनट और नहीं दे सकता। मगर शंकरलाल। अगर मगर कुछ नहीं, तुम जा सकते। अशोक, ये किस पर बिगड़ रहे थे अंकल? क्या बताऊं यार, किसी जमाने में पिताजी के जिगरी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज ये उनसे बात तक करने के रवादार नहीं, उल्टा उनके खून का आखिरी खतरा निचोड़ देना चाहते हैं। उनका एक पुराना घर पिताजी के पास रहन है और वो उसे भी नीलाम करवा देना चाहते हैं। राजा, कभी कभी मैं सोचता हूं कि पैसा भी क्या बकवास चीज है यार, इंसान को कैसे क्या बना देती है। शंकरलाल की कंपनी, प्लीज होल्ड द लाइन। अशोक, मैं चलता हूं अभी से। राजा, थोड़ी देर बैठ जाना यार, फिर कभी आऊंगा। साहब, आपको साहब ने बुलाया। अच्छा, कह दो मैं आता हूं। देख राजा, अभी अभी मेरे पिताजी के कैबिन से एक साथ नीचे गए हुए हैं। उनका नाम श्री प्रसाद है। मैंने उनसे वादा किया था कि उनके कर्जे किश्ते में बनवा दूंगा, लेकिन उनसे ये कह देना कि वो 25,000 रुपए दे जाए, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके, बाय। शंकरलाल अगर किस्तों में पैसा लेना मान भी जाता तो मैं लाता कहां से इतनी रकम? मैं भी एक ही पागल हूं मधु बेटी। आप नहीं, कहिए फिर आप। लेकिन आज मैं आपसे नहीं, आपके पिताजी से मिलने आया हूं। पिताजी से क्या काम है? एक संदेशा देना है, अगर इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं। आइए। शुक्रिया। पिताजी। हाँ बेटे। आपसे कोई मिलने आए हैं। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम राजा है, शंकरलाल जी के बेटे ने मुझे आपके पास भेजा है। उन्होंने अपने पिताजी को मनवा लिया है और कहा है कि आप अपना कर्ज एक साल के अंदर अंदर चुका सकते हैं। जियो बेटा, तुम तो मेरे लिए बाहर का झोंका हो गए। बेटे, इनके लिए कुछ चाय वाय का इंतजाम करो। जी नहीं, इन्हें तकलीफ ना दीजिए, अब मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्ते। नमस्ते जी। बेटे, मुझे जाके शंकरलाल जी के बेटे का शुक्रिया अदा करना चाहिए ना, मगर क्या करूं, सुबह आते ही शाम की गाड़ी से पूना की सीट बुक करा ली। उसकी आप फिक्र मत कीजिए, वो मैं कर दूंगी। जरूर जाना है। हेलो रवि, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ही हूँ।
भैया बहुत दिनों से आप घर नहीं है। क्या बताऊं रवि, मैं कुछ अजीब चक्कर में था। खैर लाज कैसी है? लाज बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड भैया। हाँ, ये मेरे कुलीग मस्तराम जी। नमस्ते जी। नमस्ते। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। और मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अच्छा रवि, मैं जरा तुम्हारे छोटे बॉस से मिलने जा रहा हूँ। बाय बाय। सी यू। बाय बाय। आओ राजा, श्री प्रसाद से मिले। हाँ ये क्या? ये 25,000 रुपए हैं, लाला ऋषि प्रसाद जी ने दिए। यार इतनी सारी रकम का इंतजाम करते हुए उन्हें बड़ी तकलीफ हुई होगी। हाँ अशोक, मालूम तो कुछ ऐसा ही पड़ता है। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, इतनी बड़ी रकम के मामले में उन्होंने तुम पे विश्वास कैसे कर दिया? क्यों, देखने में चोर दिखता हूं? थोड़ा थोड़ा। अच्छा चलो बात सुनो, कल की बात तो अधूरी रह गई। कौन थी वो लड़की जो तुम मुझसे मिलवा रहे थे? वो कल की बात थी, आज मुझे बहुत जरूरी काम है और मुझे जाना है। हमसे भी चोरी? सी यू। सी यू राजा। बाय। मैं सर छोटे साहब से मिलना चाहती हूँ। जस्ट अ मिनट सर। यस। अ लेडी वांट्स टू सी यू। सेंड हर इन। ओके, प्लीज गो इन देयर। थैंक यू। अरे मैं भी तो ये देखकर हैरान हो रही हूँ, आप हैं छोटे साहब, शंकरलाल जी के बेटे? जी, मगर आप तो सिर्फ दादाजी से मिली, पिताजी को कैसे जानती हैं? मैं नहीं, मेरे पिताजी उन्हें जानते हैं। आपके पिताजी? हाँ, मैं ईश्वर प्रसाद जी की बेटी हूँ। बैठिए। मैं पिताजी की तरफ से आई हूँ आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। शुक्रिया किस बात का? जो आपने एक साल की मोहलत देकर उनकी इज्जत रख ली। ये क्या कह रही हैं आप? आपके पिताजी ने तो 25,000 रुपए भिजवा दिए। मेरे पिताजी ने? हाँ, ये देखिए, अभी अभी मेरा दोस्त राजा दे गया। तो फिर मेरे समझने में कुछ भूल हो गई होगी, वैसे पिताजी तो कल 30,000 देने की बात कर रहे थे। 30 नहीं 25,000 मैंने अपने हाथों से गिने। कहीं आपके दोस्त? ऐसा मत कहिए, आप मेरे दोस्त को नहीं जानते। मैं अपनी नहीं मगर अपने राजा की कसम खा सकता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं इस बात की तस्दीक कर लूँ। क्यों नहीं? तो आप मुझे उनका राजा का पता दीजिए। अच्छा ये लीजिए, मगर बेकार का चक्कर पड़ेगा। दुनिया में कोई चीज बेकार नहीं होती। नमस्ते। आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? राजा बाबू पैदा भी नहीं हुए थे तब से। क्या मतलब? जी मेरा मतलब यह है जब से उन्होंने ये रिकॉर्डों की दुकान खोली है। तब तक बहुत पुराने आदमी हैं। जी हाँ, मैं उनके दुख सुख का साथी हूँ, मगर मैम साहब असली पूछिए तो मैं सिर्फ दुख का साथी हूँ। दुख के साथी? इतनी बड़ी दुकान, इतने बड़े आदमी हैं आपके साहब, तो फिर उन्हें क्या दुख हो सकता है? अजी दुख उन्हें नहीं, दुख तो मुझे है। आपको? जी हाँ, वैसे तो वो दिल के राजा हैं, मगर औरों के लिए मेरे लिए नहीं, अपने आप को बेचकर भी दूसरों के दुख दूर करते हैं। ये तो अच्छी बात है। अच्छी क्या खास बात है, आप भी उनका साथ दे रही हैं। अजी मैं सोच रहा हूँ अगर ये कल दुकान बिक गई तो मेरा और मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? लेकिन बिकेगी क्यों? अरे अजी आज ही 25,000 में गिरवी रखी है, कल बिकेगी नहीं तो क्या होगा? 25,000 में? जी हाँ, राजा बाबू ने एक दोस्त की मदद करने के लिए ये दुकान 25,000 में गिर। मैं लाज समझाता रहा लेकिन मेरी सुनता कौन है? बाप रे बाप, ये मैं क्या बकबक कर गया। मेरे साथ देखिए, अगर राजा बाबू आए तो उनसे ये सब बातें मत कहिएगा। राजा बाबू,
ओ रेडियो देख रही हैं आप? रेडियो बहुत अच्छा है, शॉर्ट वेव, वीडियो वेव, बिजली पे चलता है, बैटरी पे चलता है। मैं आपका शुक्रिया। जी शुक्रिया किस बात का? ग्राहकों की खिदमत करना तो हमारा फर्ज है। जी नहीं, मैं आपसे कुछ रेडियो रेडियो बहुत बड़ा अच्छा है, आप देखिए देखिए। हाँ साहब रिकॉर्ड लगाइए और सुनिए। आपको शायद याद है पूना की। पूना सुंदर साहब ये क्या करते रहते हैं आप? पूना आपने रिकॉर्डों की बिल्टी भिजवाई नहीं भिजवाई? देखिए ना गाहकों को पूना से आना पड़ता है। देखिए मेम साहब मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारे एजेंट्स के पास बहुत जल्द रिकॉर्ड पहुंचाएंगे पूना। धन्यवाद। सुंदर साहब आपको नौकरी करना है या नहीं करना? जी आप काम कम करते हैं बातें ज्यादा। क्या आप मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहते हैं? सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट? हमारे पास तो ऐसे ऐसे लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड्स हैं जो एक एक घंटे तक चलते रहते हैं। आपके पास लेटेस्ट रिकॉर्ड है? लेटेस्ट? हमने पुराना माल कभी रखा ही नहीं। आप आइए मेरे साथ दिखाएं आपको लेटेस्ट। सुंदर साहब इनका ख्याल रखिएगा। चलो सजना। वाह ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसमें मेरी रूह पैक कर दी। इसे पैक कर दीजिए। जी सुंदर साहब जी इनकी रूह को पैक कर दीजिएगा। लीजिए। मुझे भी सुना दीजिए। मैंने आपको माफ कर दिया।
जरा आपसे मिलने आया था। आइए। आपने पैसों के बारे में पता कर लिया? जी हाँ, वो 25,000 ही थे। बैठिए ना। देखा ना, मैंने कहा नहीं था, मैं अपनी नहीं मगर अपने राजा की कसम खा सकता हूँ। पहले बताइए क्या खाएंगे आप? जी कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ कसमें खाता हूँ। मेरे पिताजी ने जो कुछ किया मुझे उसका अफसोस है, और जो आज तक करते आए हैं उसका दुख। ठीक है, जब कोई आदमी पैसे वाला हो जाता है तो। प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं आपके पास एक छोटी सी दरखास्त लेकर आया हूँ, उम्मीद है कि आप उसे मानेंगी। कहिए कहिए ना। बाकी की रकम जो आपके पिता को देना है उसे भूल जाइए। भूल जाऊं? इसका मतलब है आपके पिता? उनकी बातें जाने दीजिए, बड़े कुछ भी करते आए हूं इसका मतलब ये नहीं कि छोटे भी वही करें। रोमियो और जूलियट में दो खानदानों के बीच कितनी दुश्मनी थी, लेकिन उनकी औलादों ने। इसके लिए जान देनी पड़ती है अशोक साहब। शायद वो वक्त भी आ जाए। इस वक्त तो मैं इस नाइंसाफी की माफी मांगने आया हूं जो मेरे पिता ने आपके साथ हमेशा की है। हटाइए ना, इस वक्त तो हमारी गर्दन आपके एहसान की बोझ से झुकी हुई है। इजाजत हो तो ये बोझ हल्का कर दो। वो कैसे? क्या मैं तस्वीर ले जा सकता हूं? क्या करेंगे आप इसे? मेरे घर की जीनत हो। अब बात हुई ना, मेरा अंदाजा ठीक ही निकला ना बच्चों जी। दिल की हालत जान लेते हैं कयाफा देखकर, आ गए ना प्यार के चक्कर में। अरे आते भी कैसे नहीं आ। मेरा पोता हो और ऐसी लड़की को देखकर उसका दिल टखनों में ना आ जाए ये कभी हो ही नहीं सकता। तुम्हारे प्यार की कसम, आज इस फोटो को देखकर मेरे टखने दिल में आ गए हैं। मगर बेटा एक बात मत भूलना कि इसमें आपने भी बड़ी मेहनत है। दादाजी शायद आप ये नहीं जानते ये लड़की कौन है। अरे कोई भी हो, लड़की तो है ना, मैं तुम्हारे लिए खुदा का दरवाजा भी खटखटा सकता हूँ, उसको भी आधी रात के वक्त जगा सकता हूँ। मधु मधु ऋषि प्रसाद की बेटी। न वाले ऋषि प्रसाद की बेटी, शंकरलाल बधाई हो बधाई। बधाई? हाँ। बधाई किस बात की पिताजी? अरे आज हुआ है तेरा बेटा असली जवान। तो अभी तक क्या नकली था? और नहीं तो क्या, मैं तो ये सोचता था कि हो ना हो उसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं उसे डॉक्टर को दिखाने ही वाला था कि वो तंदुरुस्त हो गया, 9/9 नॉर्मल। आपको कैसे पता चला पिताजी? अरे कमाल है, बेटा जवान हो तो कैसे पता चलता है, उसे मोहब्बत हो गई है। अशोक हैज फॉलन इन लव। फॉलन इन लव? अरे मोहब्बत में आदमी गिरता है कि उठता है। अब मजा आएगा, घर में बहू आएगी, अभी से घर में खांस कराने की प्रैक्टिस कर ले। वो तो सब ठीक है, मगर ये सब एक हुआ कैसे? अशोक की नजरों में तो कोई लड़की जचती नहीं थी। अरे आप जची तो फिर? अरे फिर क्या, तुम रास्ते में आ गए। मैं रास्ते में आ गया? हाँ, जानता है वो लड़की कौन है? कौन? मधु, ईश्वरी प्रसाद की बेटी। क्यों हो गए, जवाब क्यों नहीं देते? मेरा जवाब आप जानते हैं पिताजी, ईश्वरी प्रसाद की बेटी इस घर में नहीं आ सकती। कैसे नहीं आ सकती, तेरा बाप भी उसको नहीं रोक सकता। पिताजी। अरे पिताजी क्या, बात सिर्फ इतनी सी है ना कि तू मधु की माँ से प्यार करता था, लेकिन उसने ईश्वरी प्रसाद से शादी कर ली और तुमने उसके साथ दुश्मनी शुरू कर दी। तुम्हारी जगह मैं होता तो करवट करवट ईश्वरी प्रसाद का भला चाहता, क्योंकि उसके साथ नेकी अपनी प्रीतमा के साथ नेकी होती,
मगर तुम हो, मैं और वो। अब मैं उसकी बेटी को बहू बनाकर घर में लाऊंगा और खत्म कर दूंगा उस दुश्मनी को जो बरसों से चली आ रही है। मरने वाली की आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हारी आत्मा को भी, अगर है तो। वो लड़की किसी कीमत पर भी इस घर की बहू नहीं बन सकती। दादाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता था पिताजी कभी नहीं मानेंगे। तुम चुप रहो। क्यों चुप रहे जी, बोलो। पिताजी मैं अगर शादी करूंगा तो मधु से, वरना जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगा। अशोक जहां मैं चाहूंगा वही तुम्हें शादी करनी होगी। जी नहीं, आप यही चाहते हैं ना। जिस नफरत की आग में आप जिंदगी भर जलते रहे, मैं भी उसी में जलता रहूं। शंकर, शंकरलाल, जवान बेटे पे हाथ उठाते शर्म नहीं आई? पिताजी आप मेरी बात में दखल मत दीजिए। दूंगा, जैसे तू उसका बाप है वैसे मैं भी तेरा बाप हूं। मैंने आज तक तुझ पे हाथ नहीं उठाया। कुछ भी हो, मधु इस घर में नहीं आएगी। वो आएगी? नहीं आएगी। वो आएगी। पिताजी अगर आपको ऐसा ही करना है तो आप भी अपना रास्ता पकड़िए, चले जाइए यहां से। शंकरलाल जी तो चाहता है कि जो हक अभी अभी तुमने अपने बेटे पे इस्तेमाल किया है वही बाप होने के नाते मैं भी करूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। आपको कोई ऐसा हक नहीं पहुंचता क्योंकि मैंने परसों आपका बोझ उठाया है। तुम मेरे बोझ की बात करता है कमीने, जरा इन कांधों को देख जो अभी तक तेरे ही बोझ से झुके हुए। तेरी बीवी तो तुझे पला पलाया बेटा दे गई, मगर जब तेरी मां का स्वर्गवास हुआ तो तू 2 साल का था। मैं चाहता तो तुझे यतीम खाने भेज देता, दूसरी शादी कर लेता, मगर मैंने कुछ नहीं किया। तुझे गली गली खिलाया, अपनी छाती पर बिठाकर तुझे दूध पिलाया। मैं तेरा बाप तो था, तेरी मां भी बना, मगर आज तू मुझे आंखें दिखाता है, बोझ की बातें सुनाता है। तुम अपने बेटे को मुझसे ज्यादा जानते हो शंकरलाल। अगर तुमने जिद की तो वो हमेशा के लिए कुंवारा रह जाएगा और फिर इस आंगन में ना गुलाब खिलेंगे ना बेले लिपटेंगे। मैं वीराने में नहीं फुलवारी में मरना चाहता हूं बेटे। बाप हूं मगर तेरे अंदर का बाप कहां सोया पड़ा है, उसे झिंझोड़ो, उसे जगाओ बेटे। देखो आज एक बाप अपने बेटे से अपनी आखिरी क्रिया मांगता है। बेटे मुझे तू चाहे घर से निकाल दे, मगर मधु को बहू बनाकर जरूर घर में ले आ। मधु को बहू बनाकर जरूर ले आओ, लाल मधु को ले आ। राजा कहां रहते हो यार? अरे बड़े हसीन नजर आ रहे हो, बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्या बताऊं यार, खुशी से मरना चाहते अगर एतबार होता। वाह वाह, लेकिन हुआ क्या? तुम्हें तो बात सुनाने में खब्ज होती है ना, लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी जबरदस्त खुशखबरी सुनाने आया हूँ। अल इलानिया, चलो मेरे साथ। मगर कहां? चलो तो। सुंदर साहब दुकान का ख्याल रखिएगा। आप फिक्र मत कीजिए। ये देखिए, हाउ ग्रीन वाज माय वैली। यहां रही क्या? आ नहीं रही, यही है। लेकिन कहां? उधर नहीं, ये देखो राजा। जाने कई बार मैं तुम्हारे रिकॉर्ड शॉप पे गई मगर तुम वहां नहीं मिले। हाँ मधुर, कुछ इत्तेफाक की बात है। मैं भी इसे इत्तेफाक ही कहूंगी, और कुछ समझने को जी भी नहीं चाहता। राजा इस वक्त मुझे तुम्हारे सहारे, तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे साथ जो हो रहा है मैं जानता हूँ मधुर। तुम जानते हो? हाँ मधु। इस पे भी तुम मुझे किसी दूसरे की बाहों में धकेल देना चाहते हो?
नहीं मधु, तकदीर ने हमारे रास्ते अलग कर दिए हैं। तकदीर? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं एक औरत हूँ राजा, मिट्टी का ढेर नहीं, जिसकी जो चाहे शक्ल बना ली, जहां जी चाहे रख दिया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे यकीन है तुम भी। हाँ मधु, इसीलिए तो आदमी उसी चीज का त्याग करता है जो उसकी अपनी हो। राजा, मैं एक मामूली लड़की हूँ, प्यार का इतना ऊंचा मतलब मैं नहीं समझ सकती, कोई औरत नहीं समझ सकती। समझने की कोशिश करो मधु, अशोक मेरा दोस्त है, अगर तुमने इनकार कर दिया तो वो जिंदगी भर शादी नहीं करेगा। मधु, मधु, ये त्याग हमें करना ही पड़ेगा। ये त्याग सिर्फ तुम्हारा ही फर्ज नहीं, तुम्हारे दोस्त का भी फर्ज है। लेकिन मधु, अशोक तुमसे प्यार करता है, तुमसे मिलने के बाद पहली बार मैंने उसकी आंखों में चमक देखी है। उसकी आंखों में चमक दिखाई दी तुम्हें, मेरे ही चेहरे पे तुम्हें कुछ नजर नहीं आया। इस थोड़े से अरसे में मुझ पे क्या बीत गई, यही दिखाई नहीं दिया ना? दिया है मधु, लेकिन अशोक मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, मैं उसे नहीं खो सकता। अगर तुम अशोक को नहीं खो सकते तो मैं तुम्हें भी नहीं खो सकती। मैं अभी जाके अशोक को सब कुछ बताती हूँ। मधु, तुम अशोक के पास नहीं जाओगी, तुम्हें मेरे प्यार की कसम। मुबारक हो अशोक। थैंक यू रवि। अरे शोक शोक शोक, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये है मेरा पोता अशोक, जिसकी नाक में हिन नकेल डाली जा रही है, बहुत उछलता फिरता था। और ये मेरे बचपन के दोस्त हैं मिस्टर विक्टर। कंग्रेचुलेशंस बेटे। और ये मिस्टर जोन्स। कंग्रेचुलेशंस। फर्स्ट वर्ल्ड वार में इनकी टूट गई थी बोन। ईश्वरी प्रसाद, ये जसवंत सिंह जी। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुबारक हो जी आपको। थैंक यू। आप तशरीफ रखिए सरदार जी। थैंक यू। अरे वाह 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 वाह, तुम दोनों को इकट्ठे देखकर आज मुझे बहुत खुशी हुई, तुम्हारा बचपन याद आ गया है। भगवान तुम्हें हमेशा ऐसे ही रखे। अशोक, यहाँ आ रही है क्या? आ नहीं रही, यहीं है। लेकिन कहाँ? उधर नहीं, ये देखो राजा। जाने कई बार मैं तुम्हारे रिकॉर्ड शॉप पे गई, मगर तुम वहां नहीं मिले। हाँ मधु, कुछ इत्तेफाक की बात है। मैं भी इसे इत्तेफाक ही कहूंगी, और कुछ समझने को जी भी नहीं चाहता। राजा, इस वक्त मुझे तुम्हारे सहारे, तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे साथ जो हो रहा है मैं जानता हूँ मधु। तुम जानते हो? हाँ मधु। इस पे भी तुम मुझे किसी दूसरे की बाहों में धकेल देना चाहते हो? नहीं मधु, तकदीर ने हमारे रास्ते अलग कर दिए हैं। तकदीर? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं एक औरत हूँ राजा, मिट्टी का ढेर नहीं, जिसकी जो चाहे शक्ल बना ली, जहां जी चाहे रख दिया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे यकीन है तुम भी। हाँ मधु, इसीलिए तो आदमी उसी चीज का त्याग करता है जो उसकी अपनी हो। राजा, मैं एक मामूली लड़की हूँ, प्यार का इतना ऊंचा मतलब मैं नहीं समझ सकती, कोई औरत नहीं समझ सकती। समझने की कोशिश करो मधु,
अशोक मेरा दोस्त है, अगर तुमने इनकार कर दिया तो वो जिंदगी भर शादी नहीं करेगा। मधु, मधु, ये त्याग हमें करना ही पड़ेगा। ये त्याग सिर्फ तुम्हारा ही फर्ज नहीं, तुम्हारे दोस्त का भी फर्ज है। लेकिन मधु, अशोक तुमसे प्यार करता है। तुमसे मिलने के बाद पहली बार मैंने उसकी आंखों में चमक देखी है। उसकी आंखों में चमक दिखाई दी तुम्हें, मेरे ही चेहरे पे तुम्हें कुछ नजर नहीं आया। इस थोड़े से अरसे में मुझ पे क्या बीत गई यही दिखाई नहीं दिया ना? दिया है मधु, लेकिन अशोक, अशोक मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। मैं उसे नहीं खो सकता। अगर तुम अशोक को नहीं खो सकते तो मैं तुम्हें भी नहीं खो सकती। मैं अभी जाके अशोक को सब कुछ बताती हूँ। मधु, तुम अशोक के पास नहीं जाओगी, तुम्हें मेरे प्यार की कसम। मुबारक हो अशोक। थैंक यू रवि। अरे शोक शोक शोक, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर इधर आ। ये है मेरा पोता अशोक, जिसकी नाक में यह नकेल डाली जा रही है, बहुत उछलता फिरता था। और ये मेरे बचपन के दोस्त हैं मिस्टर विक्टर। कंग्रेचुलेशंस बेटे। और ये मिस्टर जोन्स। कंग्रेचुलेशंस। फर्स्ट वर्ल्ड वार में इनकी टूट गई थी बोन। ईश्वरी प्रसाद, ये जसवंत सिंह। बड़ी खुशी आपसे मिलके। मुबारक हो जी आपको। थैंक यू। आप तशरीफ रखिए सब आदमी। थैंक यू। अरे वाह 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 वाह, तुम दोनों को इकट्ठे देखकर आज मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारा बचपन याद आ गया है। भगवान तुम्हें हमेशा ऐसे ही रखे। बड़ी देर लगा दी राजा। अशोक मुबारक हो। मुबारक तुम्हें हो राजा। हम सब ऐसे रहे अशोक जैसे इस गुलदस्ते के फूल। ये लो। मधु, मुबारक हो। राजा। अरे दादाजी। अरे दादाजी, के बच्चे जीते रहो, कमाल है। यार की सगाई है और तू गायब। देखिए ना, मैं हाजिर हो गया। अरे ये तो ठीक है, मगर देखो तेरे बगैर ये महफिल सूनी सूनी लग रही थी। जरा रंग जमा दे, कुछ मजा नहीं आ रहा। दोस्तों और दोस्तनियों, राजा आ गया है। अब इस महफिल में इसका राज होगा। बैठो यारो, मेरा साथ निभाओ। रोज ऐसी महफिल कहाँ, भीग जाए आज पल के, आओ हंसे इतना। यारो मेरा साथ निभाओ, रोज ऐसी महफिल कहाँ, भीग जाए आज पल के, आओ हंसे इतना। ओ आज सब लुटा दो, दिलों में जितना है प्यार बाकी। रहे ना कुछ आज सब लुटा दो, दिलों में जितना है प्यार बाकी। रंग हो जितने भी यहीं सजा दो, होगी ना कल ये बहार बाकी। हंस के चराग जलाओ, हो गई रात जवां, भीग जाए
पल के आओ हंसे इतना, यारो मेरा साथ निभाओ, रोज ऐसी महफिल कहाँ भीग जाए, आज पल के आओ हंसे इतना। तो गम क्या, जीने को एक ये खुशी बहुत है, किसी के लिए कोई लुटा तो गम क्या, जीने को एक ये खुशी बहुत है, मिले ना मिले एक सनम की बाहें, मुझे तुम्हारी दोस्ती बहुत है, देखो ऐसे दूर ना जाओ, प्यार का यही है समां, भीग जाए आज पल के आओ हंसे इतना, ओ यारो मेरा साथ निभाओ, रोज ऐसी महफिल कहाँ भीग जाए, आज पल के आओ हंसे इतना, आओ हंसे इतना, आओ हंसे इतना। शुभ अवसर आ गया है जिसके लिए हम यहाँ सब जमा हुए हैं। मैं मधु की मंगनी। अरे दादाजी, ये अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ। ओह बड़ा तेज हो गया है, मंगनी से पहले अपनी अनाउंसमेंट खुद ही करना चाहता है, चल कर ले भाई। दोस्तों, मुझे इस बात का फख्र है कि आज की शाम का सबसे हसीन फर्ज मुझे सौंपा गया है। मधु की मंगनी मेरे सबसे प्यारे दोस्त राजा के साथ अनाउंस करता हूँ। निहायत कमीन आदमी है दादाजी, शुरू से ही मधु से प्यार करता रहा लेकिन मुझे कभी नहीं बताया, ऊपर से मुझे अपना दोस्त कहता है। इसने जो किया सो किया बेटे, मगर तुमने आखिर मेरे खून को ना। अशोक, अशोक जी तुमने क्या किया? जो मुझे पहले करना चाहिए था। राजा, तुम शर्म नहीं आई ये बात मुझसे छुपाते हुए? महज एक इत्तेफाक की बात थी कि मैं उस दिन तुम्हारे घर आ गया और मैंने तुम्हारी और मधु की बातें सुन ली। अशोक, तुम फिर बाजी जीत गए। और मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती। इसकी जरूरत भी नहीं मधु। अशोक भैया, आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई कि शंकरलाल की इज्जत को पांव तले मसल पर जिंदा सलामत निकल जाए, लेकिन आज खुद उसके लायक बेटे ने भरी महफिल में उसकी पगड़ी उछाल कर तमाशा बना डाला। मुझे बेहद अफसोस है पिताजी। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी के सारे उसूल तोड़ डाले, अपने दुश्मन के सामने हाथ जोड़े, उसके पांव पे सर पटक दिया, उसके सामने झोली फैलाकर तुम्हारी मोहब्बत की भीख मांगी, लेकिन लेकिन तुमने सारे किए धर पर पानी फेर दिया। पिताजी, मधु मुझसे मोहब्बत नहीं करती है, वो राजा को चाहती। नॉनसेंस। पिताजी, मैंने जो कुछ किया है ठीक ही किया है। शादी के बाद मुझे ये मालूम हो जाता कि राजा ने दोस्ती की खातिर अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया है तो जिंदगी एक बोझ बन के रह जाती और फिर मैं अपने आप को कभी माफ न कर पाता। इसीलिए तुमने अपनी मोहब्बत का गला घोट दिया। नहीं पिताजी, मैंने तो अपना फर्ज अदा किया है। और तुम्हें अपनी इस शानदार कुर्बानी पर बड़ा फख्र? ये कुर्बानी नहीं है पिताजी, मैं तो सिर्फ उन दोनों के रास्ते से हट गया हूं। जानते हो मोहब्बत में ठोकर खाने के बाद दिल पे क्या गुजरती है? नहीं जानता तो जान लूंगा। नहीं, तुम नहीं जान पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से नहीं खेलने दूंगा। मोहब्बत में हारने के बाद इंसान
टूट जाता है, बिखर जाता है। जो जोत सी दिल में जला करती है वो बुझ जाती है, कलेजा पत्थर का हो जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता सिवाय नफरत की आग के। नहीं पिताजी नहीं, आपने हमेशा नफरत का सहारा लिया है, मुझे एक बार मोहब्बत का सहारा लेने दीजिए, फिर शायद कलेजा पत्थर न हो और वो जोत न बुझे। और जो भी आपने खोया है शायद मैं उसे पा लूं। लाज, मैं पट ब्याह की बात करने आया हूँ। पट ब्याह? हाँ, चट से मंगनी तो हो गई, अब पट ब्याह हो जाए, खट से शादी की तारीख मुकरर करो। क्यों मधु, बहुत जल्दी है? मुझे तो नहीं, अपने भैया से पूछो। हाँ हाँ, मुझे तो है, आजकल की लड़कियों का क्या भरोसा, आज तो मेरे साथ मानी हुई है, कल किसी और को हाँ कह दे तो। और लाज मैं सच कहता हूँ, शास्त्रों में लिखा है कि उस कन्या का तो कभी विश्वास ही ना करो जिस कन्या के गालों में गड्ढे पड़ते हो। निकालो को अच्छा सा सहा। क्यों भाभी, ठीक है, जब भाभी ही कह दिया तब साहे की भी क्या जरूरत है। हाँ, इस महीने कार्तिकी पूर्णिमा बड़ा शुभ दिन है। तो हो गया पक्का, ये लो। ये क्या भैया? ये ब्राह्मण की दक्षिणा, बहन का लाल मैं बाद में दूंगा। अच्छा बाय बाय, आओ मधु। अरे आप लोग कहाँ जाए, चाय तो पीके जाइए। चाय तुम्हें पी लेना, बाद में मिलूंगी। हाँ हाँ, लड्डू भी खा लेना। साहब ने आपको बुलाया है। अच्छा रवि। यस सर। यहां ये मोर हमारे ऑफिस की है। यस सर। और ये दस्तखत तुम्हारे हैं? जी मालूम तो मेरे ही होते हैं। मालूम मालूम कुछ नहीं, साफ साफ बताओ तुम्हारे हैं कि नहीं। सर मेरे ही हैं। तो इसका मतलब यह है कि तुम एक धोखेबाज जालसाज आदमी। धोखेबाज अंकल? ये आप? हाँ, ये जाली डॉक्यूमेंट्स हैं। और तुम एक रैकेटियर हो, एक बहुत बड़े स्मगलिंग गैंग के साथ मिले हुए हो। इन कागजों के जरिए लाखों रुपए का माल स्मगल हुआ है। स्मगलिंग? सर मेरे तो इससे दूर तक का भी ताल्लुक नहीं। दूर का या नजदीक का, तुमने मुझे और मेरी फर्म को एक बहुत बड़े जुर्म में फंसा दिया है। नहीं नहीं, ये झूठ है, ऐसा लगता है जैसे मुझे फंसाया जा रहा है। कौन फंसा रहा है तुम्हें? तुम्हारा मतलब है ये मेरी कारगुजारी है? नहीं नहीं अंकल, मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं है, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ। हुआ? ये सब तुम्हारी आंखों के सामने है, ये तुम्हारे दस्तखत है इन जाली इंपोर्ट लाइसेंसेस पर। बोलो है या नहीं? सर वो तो ठीक है, लेकिन आप तो जानते ही हैं बाज़ वक्त आदमी जल्दी में दस्तखत कर देता है। यानी बिना देखे पड़े जरूरी कागजात पे दस्तखत? जी जी। अरे कौन यकीन करेगा तुम्हारी इस बात पर? सर कोई और करे ना करे, आप तो करेंगे, वरना मेरे पास और कौन सा तरीका है आपको यकीन दिलाने का? माना कि मैं यकीन कर भी लूं, लेकिन क्या पुलिस यकीन करेगी तुम्हारी इस बात पर? पुलिस? हाँ पुलिस, माल पकड़ा गया है, अब मुझे या तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कागजी सबूत तुम्हारे खिलाफ है। इसलिए मुझे अफसोस है कि मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं। मैं कसम लेता हूं अंकल, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। और जब तक मैं हवालात में बंद रहूं? नहीं नहीं अंकल, आप मुझे गलत मत समझिए, एक बार अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे नाम पर हमेशा के लिए धब्बा लग जाएगा, और फिर लाज क्या सोचेगी? राजा क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता,
क्योंकि मामला मेरे बस में नहीं रहा। मैं तो बार बार यही सोचता हूँ कि तुम्हें अपनी फर्म में नौकरी देकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हिमाकत की है। भगवान के लिए अंकल, अंकल मेरी मदद कीजिए, कुछ कीजिए मेरे लिए। हेलो इंस्पेक्टर पुलिस। अंकल प्लीज, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। देखो मैं तुम्हें कहीं रखवा देता हूं और कोशिश करता हूं कि पीछे मामला रफा दफा हो जाए, लेकिन तब तक तुम्हें वहीं रहना होगा और खबरदार किसी से मिलने की कोशिश की तो। नहीं अंकल, किससे नहीं मिलूं। क्या बात है राज, तुम बड़ी घबराई हुई हो। भैया कल से वो घर नहीं आया। कल से? और तुमने मुझे बताया था कहीं? मैंने सोचा वो आ जाएंगे, फिर तुम्हें क्यों परेशान करो। पत्नी कहीं घबराओ नहीं, मैं आज उसका पता लगाता हूँ। लेकिन लेकिन क्यों अंकल? क्योंकि उसने मेरी फर्म के नाम पे झूठा लाइसेंस बनवा कर माल इम्पोर्ट करवाया है। मुझे यकीन है वो किसी बहुत बड़े स्मगलिंग गैंग का मेंबर है। अब चूंकि बात खुल चुकी है, शायद वो पुलिस के डर से भाग गया है। मैं खुद परेशान हूं, इस मामले को कैसे रफा दफा किया जाए। थैंक यू अंकल। छोटे साहब हैं? नहीं है। राजा जी सुनिए, अगर आपको रवि से मिलना है तो आप रेती बंदर जाइए। रेती बंदर? आप कैसे जानते हैं? ये मत पूछिए। से मिलना नहीं चाहता। लेकिन क्यों? मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं कुछ नहीं बता सकता। तो इसका यह मतलब हुआ जो कुछ अंकल ने मुझे कहा है वो सच है? वो सच है या झूठ मैं नहीं जानता। रवि कुछ भी है मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो मेरे साथ। रवि चलो। मैं नहीं जा सकता, आप यहां चले जाइए। मैं तो चला जाऊंगा रवि, लेकिन लाज का क्या होगा, वो तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहेगी। जब सभी औरतें मर जाती हैं जिनके पति उनको छोड़कर चले जाते हैं। रवि
भैया, कुछ पता चला उनका? नहीं मिले वो। तुम चुप क्यों हो भैया? हंस तो है। वो आएंगे ना भैया, वो आएंगे ना भैया, मैं कहती हूँ वो आएंगे, वो जरूर आएंगे भैया, वो जरूर आएंगे। आपको मैं दिन भर राह देखती रही, अभी तो शादी भी नहीं हुई, जाने बाद में। अरे क्या हुआ, क्या हालत बना रखी है? बताओ ना क्या हुआ। मधु, ये शादी हमें आगे डालनी पड़ेगी। क्या बात कर रहे हो, पिताजी ने दूर दूर से रिश्तेदार बुला रखे हैं, दावत नामे भेज रखे हैं। मधु, इसके सिवा और कोई चारा नहीं। मगर क्यों रवि? क्या हुआ रवि को? रवि ना जाने कहां चला गया है, कई दिनों से घर वापस नहीं आया, लाज की बहुत बुरी हालत है। लेकिन वो कहां गया, कहां जा सकता है? मुझे कुछ नहीं मालूम मधु, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे अकेला छोड़ दो। राजा, लाज अगर तुम्हारी बहन है तो वो मेरी भी बहन है, उसे दुखी देखकर क्या मैं अपना सुख ढूंढने जाऊंगी? तुम फिक्र मत करो, मैं पिताजी को समझा लूंगी। लाज, मैं तुम्हें लेने आया हूं लाज, चलो मेरे साथ। कहां? चलो मेरे घर चलो लाज। मेरा घर वो नहीं, ये है भैया। मैं यहां डोली में आई थी, अर्थी में जाऊंगी। लाज, जिद न करो लाज, तुम यहां अकेली कैसे रहो? अकेली? कौन कहता है पत्नी अकेली होती है? वो पल पल अपने पति की कल्पना करती है भैया। लेकिन लाज, कल्पना के सहारे कोई कब तक जी सकता है? जब तक तन में आखिरी सांस है भैया। लाज, लाज। भैया, तुमने मेरा हाथ उनके हाथों में दिया, तुम उनको ढूंढ कर ले आओ भैया, तुम उनको ढूंढ कर ले आओ। Thank you.
मधु। क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं दादाजी, कुछ नहीं। तुम्हारी ये कुछ नहीं कब तक चलेगी? अशोक, तूने अपनी मर्जी से अपना रास्ता चुना, अब शिकायत कैसे? शिकायत? मुझे तो किसी से भी शिकायत नहीं है। तो फिर हमें ये सजा क्यों मिल रही है? बेटे, यूं जिंदगी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जानते हो, तुम्हें यूं खोया परेशान देखकर मेरे दिल पर क्या गुजरते है? मगर दादाजी, मुझे अपनी फिक्र नहीं। मुझे मुझे राजा ने आजकल बहुत परेशान कर रखा है, बेइंतहा पीने लगा है। तुम दोनों की ये बातें मेरी समझ में तो भूल नहीं आती। पीने लग गया है और तू तू नजर आता हूँ। दादाजी, राजा बाबू आज किसी से नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो ना मिलें, हम भी किसी से नहीं मिलेंगे। हमको तो आज पीने के लिए हाथी की जरूरत थी। हाथी? नहीं नहीं, हाथी नहीं, साथी साथी, समझा? चला मैं क्या, तुम्हें पीनी पड़ेगी। पर दादाजी। अरे पर दादा नहीं, दादा कहो। मैं जवान बनने की कोशिश कर रहा हूँ और तू कमबख्त मुझको फिर से बुढ़ा बना रहा है। दादाजी, अभी तो शाम के 7 बजे हैं। अरे तो क्या हुआ, शराब पीने का भी कोई वक्त होता है? जब जी में आया पी ली। मेरा बाप सुबह 7 बजे से शुरू करता था, है समझ गया? नहीं दादाजी, ये दुकान है। अरे तो मैं क्या अंधा हूँ, मैंने कब कहा है कि ये शमशान है, ये दुकान अपनी, मालिक अपना, फिर क्या है? चलो बंद करो दुकान को। ए मेम साहब, तुम लोग जाओ, आईडी कार्ड नहीं मिलेंगे। जा जा जा, मुँह के देखते मेम साहब, जा। नमस्ते नमस्ते। और देखो, तुम बाहर जाओ और दुकान को बंद कर दो और बाहर नोटिस लगा दो कि आज मुंडन की वजह से दुकान बंद रहेगी। मुंडन? हाँ भाई, आज इस दुकान का मुंडन संस्कार करना है। अगर मुंडन ना हुए तो सिर्फ संस्कार ही कर देंगे। जा 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 जा। क्या प्रोटेक्शन किया ग्लास की। वेरी गुड। मुश्किल ये आप पड़ी है कि गर्दिश में जाम है, वरना होश मुझको तेरा एहतराम है। आगे तो चल 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 चल, तेरा मुंह खोल मुंह खोल मुंह, तेरा मुंह तो पहले ही खोला है। चल पीजा 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 पीजा। क्या भाई भाई, आदमी दादाजी राजा बाबू गुस्सा करेंगे। अरे वो कौन है गुस्सा करने वाला? चल पीजा पीजा। दादाजी मुझे डर लगता है। ये मैं कदा है, यहाँ सुकून से बैठ, कोई आवत इधर नहीं आती। देख तू 5-6 पिज्जा इकट्ठे और मेरे लेवल तक पहुँच जा, इतने में मैं तुम्हें गजल सुनाता हूँ। चल पिज्जा। हाँ झूम कर गाओ, मैं शराबी हूँ, रक्स फरमाओ, मैं जरा हादसे रोज होते रहते हैं। अरे भोले भी जाओ, मैं जरा
जो मैं कैसे नहीं करूं। दादाजी आपका गला कुछ खराब है, लट्ठी लाऊं? चुप रहे हकीम के बच्चे, लट्ठी लाऊं पागल कहेगा। चल एक रिकॉर्ड लगा दे मिल्क शेक का। दादाजी मिल्क शेक तो लाना पड़ेगा। लाना पड़ेगा तो भाई मिल्क कट शेक का रिकॉर्ड लगा दे। शेक का, शेक का, शेक का लगा, जल्दी लगा, मैं डांस के मूड में हूँ। भैया उनकी चिट्ठी आई है। चिट्ठी किसकी? उनकी। लिखते हैं, लाज मुझे क्षमा कर देना, कोई ऐसी ही बात हुई
जिसके कारण मैं तुम्हें मिले बिना ही चला गया। इस वक्त मैं ऑफिस के एक जरूरी काम में फंस गया हूँ। राजा भैया की शादी आ रही है, मैं जल्दी ही चला सभी पीने वाले ऐसी बातों को पीने का बहाना बना लेते हैं, यही ना राजा? ये जगह ही लोग, मैं तुम्हें जिद्दत की खाई से निकाल के आया हूं अशोक। ऐसे कोई थोड़ा ही निकलता है मेरे दोस्त, कुछ देर साथ साथ चलना पड़ता है। लो पियो, पी लो अशोक, उसके बाद मैं भी कुछ कह सकूंगा और तुम भी सुन सकोगे। लो। एक दिन जरूर पीऊंगा राजा, जब तुम्हारा आखिरी जाम होगा। कोई बात नहीं, शीशे टूटते ही रहते हैं, और फिर जैसे जैसे इंसानी दिल पिघलता है साथ साथ शीशे भी पिघलकर नए जाम बन जाते। आखिर हुआ क्या है? यही ना कि रवि कहीं चला गया? रवि चला गया और लाज? लाज को तुम ही प्यार नहीं करते, मैं भी करता हूं, लेकिन इस तरह तुम अपने आप से भागकर इन गिलासों में डूब कर उस अनहोनी को आवाज दे रहे हो जिसे तुम लाज को बचाना चाहते हो। राजा मैं कहता हूं चलो मेरे साथ। कहां ले चलोगे मुझे? मधु तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसे कह दो वो मेरा इंतजार न करें। मगर राजा इस संसार में उसे तुम्हारे सिवा कोई दिखाई भी तो नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता? इस दुनिया में सिर्फ मैं ही रह गया हूं। और कौन है राजा? अशोक तुम राजा। अब वो दिन भर पीने नशे में धुत रहने लगा है। नहीं। लेकिन क्या अब वो वहां पहुंच चुका है जहां से उसको कुछ अपनी भी खबर नहीं आती? बहन वैसे दुख की मारी और मैं लाचार, अब बे यारो मददगार। ऐसे में अगर उसे कोई बचा सकता है मधु तो वो सिर्फ तुम हो। मैंने क्या कुछ न किया होगा? सोचो तो, मैं जो हार कर बैठ गई, मेरा कितना अभिमान टूटा होगा। अब वो जिस जगह पर बैठकर अपने अंदर का बेनाम गम भूलने की कोशिश कर रहा है वो एक नरक है। ठीक है मधु, प्यार करने वाले स्वर्ग के साथी तो हो सकते हैं, शायद नरक के नहीं। मैं सब कुछ समझती हूँ, लेकिन मैं एक औरत कभी मर्द से कम नहीं समझा मधु, खास तौर पर उस भावना में जिसे प्यार कहते हैं। इसमें मर्द का हर बार खाली होता है, हर बार बेकार। हालात की सितम जरीफी, हम दोनों ने एक ही आदमी से प्यार किया है, तुमने महबूबा की सूरत में, मैंने दोस्त बनकर, लेकिन उसे बचाने के लिए तुम कर सकती हो, मैं नहीं। अशोक आज मैं तुमसे उसकी भीख मांगने आया हूं मैं, तो
राजा। मधु, तुम यहाँ? तुम्हारा साया हूं ना मधु, ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारे लिए गुलजार है तो मेरे लिए बहिष्ट। मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। क्यों चली जाऊंगी? तुम पियोगे तो मैं भी साथ पीऊंगी। ग्लास लाओ। उस बोतल से नहीं मेरी जान, इस बोतल से पियो। बैठो। ये कैसा गम सज
ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों किया? क्यों तोड़ डाला इसे? आज तुम्हें नहीं, मुझे पूछना है तुमसे, ऐसी क्या चीज है जिसने तुम्हें इन बोतलों में डुबो दिया है, एक इंसान से जानवर बना दिया है? आज मैं पूछ कर रहूंगी और तुम्हें बताना पड़ेगा। बताओ क्या बात है, क्या हुआ तुम्हें, बताते क्यों नहीं? मैं खूनी हूं, मैंने रवि का खून किया है। हाँ मधु, यह सच है, रवि का खून मुझसे हुआ है। मैंने आज तक इस बात को छुपाए रखा ताकि लाज जिंदा रह सके, लेकिन अब मैं पुलिस को, लाज को, सारी दुनिया को बता दूंगा, सारी दुनिया को बता दूंगा। शादी की है, मुझे यकीन है वो जहां भी है जरूर आएंगे। अगर वो नहीं आए तो मैं समझूंगी मैं सुहागन नहीं हूं और मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। भैया मुझे आशीर्वाद दो, मुझे आशीर्वाद दो। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद कैसे दूं? मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारा रवि अब कभी नहीं आएगा? Oh, no, 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 no.
तुम यहां से बाहर क्यों गए? मैं न जानता था कि मैं यहां एक कैदी हूं। तुम समझ तो गए मगर थोड़ी देर से। तो वो सब आपकी एक चाल थी, मेरे खिलाफ सब इल्जाम एक बहाना। जानना चाहते हो तो सुनो, उसके पर्दे में मैं तुम्हें सबकी नजरों से दूर रखना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था तुम ना होगे तो लाज की क्या हालत होगी, राजा और मधु की शादी रुक जाएगी। आपने उनकी शादी रोकने के लिए मुझे यह बिल्कुल। अब जबकि राजा मेरे और मेरे बेटे के रास्ते का काटा उधर शराब में घुल घुल के मर रहा है, तुम इधर सड़ सड़ के मरोगे। देखो इस पर कड़ी नजर रखो। इसने एक बार पहले भी यहां से भागने की कोशिश की थी बॉस। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसकी जरूरत ना पड़ी, हमने खुद ही इसे समुंदर से निकाल लिया और कश्ती में डालकर यहां लिया है। अब अगर ये भागने की कोशिश करे तो इसे गोली मार दो। ओके बॉस। फिर क्या हुआ? फिर कुछ आदमी आए और रवि को खींच कर ले गए। मगर राजा वो लोग कौन थे? वो लोग, ये तो मैं नहीं जानता कि वो लोग कौन थे, लेकिन अशोक रवि की जिंदगी खतरे में है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता उसे कहां ढूंढूं, कहां मिलूं। लेकिन राजा तुम उसे मिले कहां थे? रेती बंदर। रेती बंदर? लेकिन तुम वहां कैसे पहुंच गए? एक आदमी ने भेजा था। कौन था वो आदमी? कौन था वो? कौन था वो आदमी राजा? अशोक मैं जाता हूं, अशोक मैं जाता हूं। राजा, ओ राजा, राजा भागा भागा क्यों जा रहा था? वो मुझे ये बताने आया था कि रवि जिंदा है। तो क्या वो ये समझता था कि रवि मर चुका है? हाँ पिताजी, राजा के ख्याल था कि उसने उसे अपने हाथों से मार डाला था, लेकिन दरअसल वो मरा नहीं था, जिंदा है। अपने हाथों से मार डाला है? कोई और ही गुंडा है जिसने उसे पकड़ रखा है। लेकिन तुम कहां जा रहे हो? जहां राजा गया है, हम दोनों मिलकर उस गुंडे के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अशोक मैं नहीं चाहता कि तुम गैंगस्टर के गुरुओं में मिल जाओ, तुम्हारी जान का खतरा हो सकता है। खतरा? पिताजी अगर राजा और लाज के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूं। अशोक मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। रवि कहाँ है, उसे क्या हुआ, मैं कुछ नहीं जानता। तुम सब जानते हो। जानता बताओ भाई, रवि कहाँ है? रवि मुझे डाला दीजिए, वो लोग मुझे बाहर डाले। कौन लोग? कौन है वो? मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता, तुम बताओ। मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता। कौन है वो? इसमें शकरलाल जी का हाथ है। शकरलाल जी? अशोक के पिता? मेरे साथ आओ। चलो पांडू।
पे सो रहे हो, शर्म नहीं आती? मैं उस कुत्ते को खाना डाल के अभी आता हूं। राजा इस तरफ।
अंकल, मैं नहीं जानता था इन सब बातों के पीछे आपका हाथ होगा। अब तो जान गए ना। ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? मैंने जिंदगी में जो चीज चाही हाथ बढ़ाकर ले ली, लेकिन अशोक की शादी के सिलसिले में तुम मेरे और मेरे बेटे के रास्ते में आ गए, इसलिए मजबूरन मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। काश मुझे ये पहले मालूम होता कि तुम ये समझ रहे हो कि तुमने अपने हाथों से रवि का खून किया है, जिसकी वजह से तुम दिन रात शराब पीते हो, तो मेरे लिए क्या मुश्किल था। मैं इसको खत्म कर देता और फांसी का फंदा तुम्हारे गले में डलवा देता। बस इतनी सी बात थी अंकल, आपने मुझे हुक्म दिया होता मैं आपकी खुशियों के लिए हंसकर जान दे देता, आपकी बदनामी भी ना होती और आपके अरमान भी पूरे हो जाते। मैं जानता हूं मेरे अरमान कैसे पूरे होंगे, इसलिए मैं तुम्हें अभी ठिकाने लगा दूंगा। तो मैं हाजिर हूं, चलाइए गोली। राजा भैया रवि, मैं ठीक हूं रवि, मैं ठीक हूं। अंकल, मैं ये नहीं चाहता कि अशोक को इन बातों का पता चले और उसको मेरी वजह से दुख हो, इसलिए सिर्फ एक विनती है आपसे, एक गोली और फिर मेरी लाश को यूं ठिकाने लगाइएगा ताकि मेरे दोस्त को पता तक न चले। नहीं चलेगा, मैं तुम्हें ही नहीं तुम्हारे इस बहन को भी इस मिट्टी में दफन कर दूंगा। अशोक बेटा, पिताजी जिस मिट्टी में मेरे प्यार को दफन करना चाहते थे उसकी तो न थी। राजा, शंकरलाल, कोई और गोली रह गई है तो दाग दे मेरे सीने, और फिर हम सब की लाशों के ढेर पर बैठकर जिंदगी का हिसाब किताब कर सोच कि तूने क्या खोया और क्या पाया है। तेरी नफरत ने हमजद को कहां पहुंचा दिया। कमबख्त गोली चलाने से पहले ये तो सोच लिया होता कि शायद इस पर तेरे ही बेटे का नाम लिखा है। तूने क्या किया? दादाजी, जल्दी से किसी डॉक्टर को बुला लीजिए। आंखों में अच्छे नहीं दिखाई देते। राजा, मेरे यार, लातो थे शराब की बोतल। अशोक लाना राजा, मुझे बहुत जल्दी है। अशोक बेटे, एक दिन इकट्ठे पिएगी,
जब मेरा पहला जाम होगा तेरा आखिरी। अशोक अशोक